नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। बहुत लोगों ने, दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, तो रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ पुनः सचिन सर के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर की उपस्थिति। बहुत स्वागत है सर नमस्कार आपका। नमस्कार हिना जी। दर्शकों ने बहुत मिस किया है सर, आप कहाँ नदारद थे। और ये लघु पराशरी की श्रृंखला हमारी रुकी हुई थी, इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। हिना जी, पहले तो नमस्कार, नमस्कार और सर। आपके सभी सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं अपने कार्य से व्यस्त, बहुत ज्यादा व्यस्तता थी और इसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहा था। इनफैक्ट मैं बाहर भी गया हुआ था, तो क्षमा प्रार्थी हूं कि भाई ये सीरीज को थोड़ा सा विलंब करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये उम्मीद ये है कि ये जो अब लास्ट अध्याय जो हम लोग करने जा रहे हैं, दशा फल अध्याय, इसमें दर्शकों को बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ उनको जानने को मिलेगा जो लघु पराश्री कहना चाहती है। तो बस मैं यही कहूंगा कि दर्शकों को कि प्लीज थोड़ा सा The माफ wait was कर all worth it, sir. You दें। are going to make up थैंक for the यू, lost थैंक time. यू। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इत्मीनान से डिटेल में सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। मैं उनको बता सकूं। इसके साथ ही मैं दर्शकों को बताऊंगी कि अभी ये जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और सर अभी दफ्तर से अपने आए, और उसके बाद भी इनकी जो कमिटमेंट है लघु पराश्री या ज्योतिष जगत के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये देखने में बनता है। तो आप पूरे आप अपने लगन से इस एपिसोड को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कार्यक्रम को पसंद आने पर लाइक कीजिए और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। दशा फल अध्याय की बात करें तो अब जैसे अपने मुंबई में बोलते हैं कि अपुन का टाइम आएगा, तो ये सर इसको हम कैसे इस लाइन पे हम बैठा के बता सकते हैं दर्शकों को कि अगर एक महादशा, छोटी से छोटी महादशा केतु की 7 साल की चलती है, तो ये कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी, खराब जाएगी? पूरी की पूरी महादशा तो अच्छी या खराब नहीं जाती है सर। इंटरमिटेंटली जो रंग भरते हैं अंतरदशा के ग्रह, तो दर्शकों को जरा बताइए सर। हिना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक छोटी से छोटी महादशा भी 6-7 साल की हो जाती है और बड़ी महादशा 19-20 साल तक चलती है। 20 साल के जी। और कोई भी ऐसी दशा महादशा नहीं है कि वो पूरा एंटायरली अच्छी जा रही हो या एंटायरली खराब जा रही हो। बिल्कुल तो कौन कंट्रोल करता है कि इस बड़े से अवधि में छोटे पीरियड ये खराब या अच्छा होगा? क्योंकि दशा का मतलब ही होता है पीरियड। एक बड़ा पीरियड है और उसके अंदर सब पीरियड्स हैं। जैसे एक पीरियड्स। साल है, एक साल एक बड़ा पीरियड है और उसके सब पीरियड्स जो हैं वो महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जो महीने हैं इसको आप मान लीजिए कि ये अंतर दशाएं हैं। तो जो अंतर दशाएं सपोर्टिव होंगी नेटिव की कुंडली में वो अच्छी जाएंगी, और जो अंतर दशाएं विपरीत स्थिति क्रिएट करने वाली होंगी वो समय खराब जाएगा। तो पूरा पीरियड जो है ये डिसाइड करता है अंतर दशा कि अब ये समय आपको अच्छा आने वाला है या खराब आने वाला। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं श्लोक को पढूं। इस एपिसोड में हम 29वें श्लोक से लघु पराश्री की चर्चा को शुरू करते हैं। 29वां श्लोक है, न दिशेयुर् ग्रहा सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभाशुभ फलम नृणामात्म भावानुरूपत। देखिए, ये 29वां श्लोक दशा फल अध्याय का पहला श्लोक है। दशा फल अध्याय का पहला श्लोक जी। दशा फल अध्याय का ये क्या कह रहे हैं? सभी ग्रह, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का ग्रह हो, ठीक है, जब उसकी
अपनी महादशा में जब उसकी ही अंतरदशा आ जाए, ठीक है, तब ना तो वो शुभ फल देगा, ना वो पाप फल देगा, ना वो मारक फल देगा, ठीक है। इस स्थिति में वो केवल और केवल अपना सामान्य फल देते हैं। सामान्य फल मतलब जी, सामान्य फल मतलब ग्रह के अपने कारक तत्वों का फल, या फिर वो जहां पर बैठा है उस जगह का फल, केवल सामान्य फल देंगे वो। अब उस दशा में हो सकता है आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट दिख रहा हो कि भाई मुझे ये बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है, ये बहुत अच्छा पीरियड जाने वाला है, लेकिन वो पीरियड उस महादशा के उसी ग्रह के अंतर दशा में नहीं होगा, ठीक है। अगर वो मारक की दशा है तो वो मारक की दशा और मारक की ही अंतर दशा, अपने ही मारक की अंतर दशा मरण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सेफ पीरियड रहेगा सर, कुछ नहीं होगा जी, ठीक है। कोई योग कारक ग्रह है तो योग कारक ग्रह की योग कारक की अंतर दशा है तो भी कुछ नहीं मिलेगा, कहेंगे अरे मेरी तो योग कारक की दशा शुरू हो गई, मेरा तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, अपनी ही महादशा के अपने ही अंतर दशा में अच्छा नहीं मिलता है, ये एक सर्वविदित एक रूल है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है छोटा सा जी, एक्सेप्शन ये है कि अगर अपनी महादशा में अपनी ही अंतर दशा में अगर किसी को अच्छा रिजल्ट मिल गया, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि उसकी बाकी सारी दशाएं खराब हो गई, फिर वो अच्छी नहीं जाएंगी। एग्जाम्पल से समझा दीजिए सर, जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, एग्जाम्पल है जैसे शुक्र की, हाँ, शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर दशा। अब ये श्लोक जो कह रहा है 29 श्लोक, ये कहता है कि भाई ये तो नॉर्मल जानी चाहिए। हाँ, अब किसी के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, ठीक है, जैसे कि मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है जी। तो शुक्र की जब महादशा आई और शुक्र की जब अंतर दशा आई, ठीक है, तो ये सामान्य फल देना चाहिए, योग कारक रिजल्ट नहीं देगा ये, ठीक है, ये 29वां श्लोक कह रहा है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से इसने बहुत शुभ फल दे दिया, योग कारक वाले रिजल्ट दे दिए, तो समझ लीजिए कि बाकी सारी अंतर दशाएं खराब हैं उसकी। ठीक है, फिर बाकी सूर्य पूरी दशा खराब हो जाएगी। और इतने लंबे महादशा वाले ग्रह जैसे शुक्र, ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पर देखना और समझना जरूरी हो। तो मोटा मोटा क्या है, अपनी महादशा हो, अपनी ही अंतरदशा हो ग्रह की, तो नॉर्मल रिजल्ट मिलेगा जो उस ग्रह के कारक तत्व होंगे जहां पे वो प्लेस्ड होगा, बस वैसे। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, परेशान मत होइए कि मेरी तो योग कारक की दशा शुरू हो गई, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, या मेरी जो है कोई, ठीक है, कोई खराब दशा, त्रिषडाई की दशा शुरू हो गई तो मेरा कुछ खराब ही नहीं हुआ, नहीं होगा। दर्शकों को यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जिस ग्रह की महादशा शुरू होती है उसी ग्रह की अंतर दशा भी शुरू होती है, तो शुरुआत में दोनों एक ही रहते हैं, तो किसी शायद ये बताना जरूरी था सर। हाँ जी बताइए। मैं दर्शकों को बता रही थी कि जिस ग्रह की महादशा शुरू होती है उसी ग्रह की अंतर दशा भी साथ में शुरू होती है, ये विमशोत्री दशा के रूल में है। हाँ ठीक है, कि जिसकी महादशा शुरू होगी उसकी पहली अंतर दशा उसी ग्रह की होगी, उसी की होगी जी, तो ये विमशोत्री का दशा का रूल, और लघु पराश्री पूरी तरह से विमशोत्री दशा पे ही लगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये विमशोत्री दशा को डिकोड करने की ही किताब है लघु पराश्री। अगले श्लोक की ओर चलती हूँ सर। आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज सहधर्मिना मंतर दशा स्वेव दिशंति स्वदशा फलम। करेक्ट। अब ये क्या कह रहे हैं कि जिसकी भी महादशा चल रही है, ठीक है, और जो अंतर दशा आएगी वो आपस में संबंधित हैं कि नहीं है,
और दूसरा जो है उनका धर्म कैसा है। यहां पे धर्म से बताऊं, क्लासिफिकेशन से बात की जा रही है। जो क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट सेशन में किया था कि ये योग कारक हैं, केंद्र हैं, त्रिकोण हैं, त्रिशडाएं हैं, सम हैं, ठीक है, किस कैटेगरी के ये प्लैनेट हैं, उसका उस कुंडली में क्या काम, क्या रोल उसको दिया गया है, ठीक है। अब जो अंतर दशा जो है, क्या उसको भी वही रोल मिल रहा है। तो दो चीजें देखनी होती हैं यहां पे कि भाई वो आपस में संबंधित है कि नहीं है। दूसरा, जो दो प्लैनेट्स हैं महादशा और अंतर दशा, उनको वहां पे सेम रोल दिया मिला हुआ है या डिफरेंट रोल मिला हुआ है, ठीक है। ये दो चीज को देखना और समझना जरूरी होता है। तो मोटे मोटे तौर पे क्या करना चाहिए कि जब महादशा और अंतर दशा आए तो उसको कैटेगराइज कर लीजिए आप कि भाई ये योग कारक ग्रह है या फिर ये सम ग्रह है या फिर ये पापी ग्रह है, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई इनका धर्म क्या होगा। अगर योग कारक है तो अच्छा काम कर रहे हैं, सम है तो न्यूट्रल जैसा बिहेव करेंगे, पापी हैं तो हमारे को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी में अगर आप क्लासिफाई कर लेंगे अपने सारे 9 ग्रहों को, अब जब आप रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे महादशा और अंतरदशा को, तो आपको समझ में आएगा कि पहले तो ये आपस में संबंधित है कि नहीं है। उस चार्ट में कहीं ये रिलेटेड तो नहीं है दूसरे से, ठीक है। दूसरा, इन दोनों को रोल क्या है, कॉमन रोल काम कर रहे हैं या अलग अलग रोल से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये दो चीज को समझ करके ही दशा फल को आपको बताना है। तो जीत किसकी होगी सर, अगर दोनों विरोधी ग्रह हैं? ये आगे